हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश, आप देखे छत्रपति चैनल ऑल इन विद योगी। तो दोस्तों, आपके घने पेट से और आपके घर के पेट्स के जो बाल है वो झड़ रहे, तो आपके हेयर फॉल का आपको इशू है। जैसे आपका डॉग है या कैट है, उनके बाल झड़ रहे हैं, उनके स्किन में प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई इनको स्किन इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण उनको इचिंग हो रही है, या उनके बाल गिर रहे हर बार विदाउट शेडिंग। जैसे शेडिंग का जो टाइमिंग आता है, शेडिंग के बिना भी उनके बाल हर टाइम उनके झड़ते रहते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है दोस्तों। कोई वैक्सीनेशन नहीं होती है, बस एक उनका एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड फॉर्म में उनका एक टॉनिक होता है, वो उनको देना जरूरी होता है। जैसे कि हम उनको कोई पेडिग्री खिला रहे, एक फूड खिला रहे, उनमें जो कोई कोई विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिनको नहीं मिल पाते, दैट्स वाई उनको कोई ना कोई उसके इशू आ जाते हैं। जैसे कि हेयर फॉल होना या स्किन उनकी उसमें मतलब रेड रेड कलर के धब्बे आते हैं, तो वो स्किन को जो जितना भी स्किन प्रॉब्लम हो गया, इचिंग हो गया, कोई भी अन्य कोई तरह के उनके कोई प्रॉब्लम हो, तो वो सॉल्व करेगा एक ही प्रोडक्ट जो कि फर्ग्लो नाम का है, हिमालय का ब्रांड है, बड़ा ही प्रॉपर ले। तो मैंने ये हिमालय का जो प्रोडक्ट है मैंने अमेजोन से मंगवाया हुआ है, तो ये कितने में गिरा और इसकी कितने दिन में मुझे शिपमेंट हुई, उससे क्या क्या फ़ायदे, आगे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मेरा टॉम है, उसको भी थोड़ा फ्लीज का इशू हुआ था, उसको फ्लीज आए थे, फंगस हुए थे, तो स्किन इन्फेक्शन उसको ज़्यादा हो गया था, तो उसने वो इचिंग कर करके उसके स्किन को वो ख़राब हो गए थे, तो उसको रेडनेस आ गई थी, उसको जख्म हो गया था, तो उसको मैंने कैसे रिकवर किया वो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया, मैंने डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं गया दोस्तों, क्योंकि टिटवाला में जा रहता हूँ, बिल्कुल भी डॉक्टर अच्छे नहीं है दोस्तों। ये सब मैंने जैसे मेरे सारे दोस्तों के पास पेट से, तो हम लोगों में डिस्कशन होती है क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ नहीं करते, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं वो क्या सजेशन देते हैं, उसके हिसाब से ही मैंने खुद गूगल पे सर्च करके, रिसर्च करके मैंने ये सारा जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, देखिए टॉनिक क्या प्रोडक्ट क्या, इसके आगे बताऊंगा, इसका रिजल्ट भी मैं आपको शो करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मेरा टॉम जैसे रिकवर हो गया, रिकवर होने के बाद उसको पहले क्या प्रॉब्लम थे उसके एक स्क्रीन शॉट आपको बाजू में दिखाऊंगा कि हमको उसको ये प्रॉब्लम हुआ था और उसके बाद ये कैसा अच्छा हुआ है, ये सारा मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते, देखते हैं प्रोडक्ट में क्या है, प्रॉपर हमें आया है या नहीं आया, डैमेज आया क्या हुआ है, तो सब हम देखते हैं आगे। तो वीडियो को देखते रहिए, वी विल बी बैक। इसकी पैकिंग है अमेजोन की, ये मुझे मैंने इसको बुक किया था सैटरडे को पिछले, तो अभी है संडे, आई थिंक मुझे लगता है 1 वीक उसको लगा है, तो 1 वीक के बाद मुझे इसका प्रोसेस में मुझे डिलीवर हुआ है। तो डिलीवरी टाइमिंग बड़ी डिले है इसकी, जल्दी से डिलीवर नहीं हुआ है मुझे, 1 वीक से मैं इसका वेट कर रहा था, बिकॉज टिटवाले के जो शॉप है वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको जो ऑनलाइन मंगाना पड़ा। तो इसका जो प्राइस मैं आपको दिखा देता दोस्तों, इसकी प्राइस है यहाँ 497 रुपीज़, जो कि मुझे पड़ा है 457 रुपीज़ का, लेकिन डिलीवरी चार्जेस 40 रुपीज़ है, तो ये कुल मिला के मुझे 497 मतलब 500 में ये मुझे गिर गया है, तो ये मेरा बिल है। तो ये बढ़ते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे हिमालय का, ये बड़ा पैकेट मैंने मंगाया हुआ है और बॉक्स में इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये बॉक्स को देख के हुए लगता है ठीक ठाक आया हुआ है। बॉक्स आप देख सकते हैं, बड़ा बॉक्स है, 400 ml का लिक्विड है जिसमें नाम दिया हुआ है हिमालय और 1930 फर ग्लो लिक्विड 400 ml स्किन एंड कोट टॉनिक। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये स्किन एंड कोट के लिए है, जो कि डॉग एंड कैट्स के लिए होते हैं। तो कुछ इसके यहाँ पे इंग्रेडिएंट दिया हुए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए है, तो इसमें इसका फ्लेवर है सैल्मन फ्लेवर है दोस्तों, आपको पता है कैट को सैल्मन फ्लेवर बहुत पसंद है, और इसमें सबसे बड़े हाईलाइट के है कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 इन द रेशियो ऑफ 1.10। तो ये जो है आपको पता है स्किन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। जो फैटी एसिड होते हैं वो हमारे स्किन को शाइनी और अच्छे कोट को अच्छे रखते हैं और अपने हेल्थ को भी अच्छे रखते हैं। उसके अलावा इसमें क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बताऊंगा आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई विटामिन का भी उन्होंने जिक्र किया है, जिसके यहाँ पे विटामिन दिया हुआ है विटामिन ई, विटामिन ए एंड जो जिंक है 2 mg लेवल, जो कि एक प्रॉपर मात्रा में दिया हुआ है, और किसको कितना देना है ये भी डोसेज यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है पप्स, स्मॉल ब्रीड्स एंड लार्ज ब्रीड्स, यहाँ पे देखिए ये ट्विस्ट डेली जो भी डोसेस है यहाँ पे दिए हुए, ये एडल्ट के लिए है और कैट के लिए, तो आप अपने अनुसार जो कैट का जो आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2.5 ml से लेके 5 ml तक हम हमारे कैट को दे सकते हैं उनके बॉडी वेट के हिसाब से, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कैट एडल्ट हो
तो उनको कम से कम 2.5 से 3 ml ही देना चाहिए, क्योंकि हम उनको स्टार्टिंग में दे रहे हैं। स्टार्टिंग में आप उनको 5 ml दोगे, अगर आपका एडल्ट आप सोचो 4-5 kg का है या फिर वो अबव 1 year 2 years का है, तो हम उसको 5 ml देंगे। तो वैसा नहीं करना है दोस्तों, हमें स्टार्टिंग डोसेस उनको लाइट लाइट देना है ताकि उनको उसकी आदत हो जाए। तो आपको पता डॉग तो खा लेता है ये टॉनिक को, लेकिन कैट को खिलाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैट को किस तरह से खिलाना होता है। तो चलिए हम उसको इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कप मिलता है जिसके लिए आप इसे काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे दिखा हुआ है 5 ml, इसके ऊपर 10 ml एंड 15 ml। जैसे कि मैंने बताया कि आप जैसे आपकी लार्ज ब्रीड हो उसके हिसाब से आप इसको टॉनिक दे सकते हो। तो मेरी कैट स्मॉल है तो आपको सिर्फ 5 ml के अंदर ही दूंगा। 1 week तो मैं उसको अभी स्टार्टिंग 2.5 ml से करूंगा, उसके बाद मैं आगे आगे उसके डोसेस बढ़ाते जाऊंगा। तो ये हुआ है हमारे 400 ml का, जो कि आपको बता दूं कोई भी ब्रोकरेज नहीं है, एक ठीक ठाक मुझे प्रोडक्ट आया हुआ है, एनी कहीं कुछ डैमेज। तो यहाँ पे भी प्राइस दिए हुए 470, जैसे कि मैंने बिलिंग में बताया आपको मुझे थोड़ा सस्ता मिला था डिस्काउंट, लेकिन फिर भी आपको डिलीवर चार्जेस लग के वो महंगा ही पड़ा है। अगर आपके नियर बाय शॉप हो गए तो आप शॉप से लीजिएगा। तो दोस्तों आपने इसके सारे फायदे तो जान लिए हैं, तो आप बता देता हूँ इसको कैसे आपको अपने कैट्स को देना है। तो डॉग को देना तो बड़ा इजी है, आप उनको इसे कप में डाल के आपको उसको दे भी सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप उसके पेडिग्री में या उनके फूड में आप डाल के दे सकते हो। ये कैट को खिलाना मुश्किल है, तो कैट को खिलाने के लिए मेरे पास ये विस्का का जो जेली है ग्रेवी चिकन में, एंड एक मेरे पास है सैलमन में। तो ये जो पाउच आते हैं जो कि कैट्स को बहुत पसंद है, तो ये आपको इसको कट करके इसमें जितना भी ml है, क्योंकि इसमें ग्रेवी होता है लिक्विड फॉर्म में ही, तो उस ग्रेवी को इसमें मिला के उनको पिला उनको खिलाओ तो खा लेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये खा लेगी। जो आपकी कैट है अगर उनको आप जबरदस्ती खिलाते हो तो वो नहीं खाती, एक डॉग खा सकता है लेकिन कैट को खिलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैट को खिलाने के लिए फिर ये एक ऑप्शन होता है जिससे ये इजीली लिक्विड फॉर्म में ये भी होता है, इसके अंदर लिक्विड भी होता है और इसमें कुछ पीसेस होते हैं चिकन्स के एंड कैट्स जो फिशेस के, तो उसके जो ग्रेवी होती है ग्रेवी में आपको ये जो फर्गलो है ये इसको मिला देना है ताकि वो इसको खा सके। तो इसका रिजल्ट मैं आपको जरूर दिखाऊंगा दोस्तों, 1 week या 15 days में भी मैं आपको वीडियो और डालने वाला हूँ कि मेरे टॉम को जो प्रोसेस था स्किन इन्फेक्शन का, स्किन इशू का, फ्लीज का, तो मैंने उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट किए वो सारे मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर मेरे चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।